नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है सीएसआईआर द्वारा, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में संस्था आती है। इसके द्वारा टेक्नीशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। सो एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर बताया गया है 04/2021। एडवर्टाइजमेंट नंबर हम आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिलअप करना होता है कि आपको किस एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सो जो लास्ट डेट इसमें रहने वाली है वो कि लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20/12/21 अप टू 5 PM, यानी कि 20 दिसंबर 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो शाम 5 बजे तक। तो सो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवेदन कर दे। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जारी की गई है जो कि आपको इसमें पूरी तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि द एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फ्लो ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cmeri.res.in पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना है। डिजाइनेशन में है जो टेक्नीशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली, कुल 22 वैकेंसी पोस्ट पर वैकेंसी पर जारी की गई हैं, जिसमें से UR की यानी कि सामान्य जाति की 12 हैं, ST की यानी कि शेड्यूल ट्रिप्स की इसमें 2 हैं, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के इसमें 6 हैं, एंड EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की इसमें 2 हैं। सो पे स्केल आपको इसमें लेवल 6 के अंतर्गत दे दिया जाएगा, जो कि 35,400 से लेकर 112,400 रुपये पर मंथ का आपका रहेगा, प्लस अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, और जो आपकी सैलरी रहेगी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशंस के आगे भी बढ़ती ही रहेगी। और इसमें जो अपर एज लिमिट है यानी कि जो आयु सीमा है वो 28 साल तक के अभ्यर्थी इसकी पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो कि हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज बताया जाएगा कि आपको इसमें एज रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा, आयु में क्या छूट दे दी जाएगी। और इसमें जो नंबर ऑफ टेक्नीशियल असिस्टेंट की पोस्ट में जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, वो आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 साल का, और मिनिमम 60% के साथ, यानी कि 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए न्यूनतम 3 साल का आपके पास मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास और लगा हुआ, इसमें ऑप्शन है, 2 प्रकार की शैक्षिक योग्यताएँ दी गई हैं, और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स का आपके इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कि इसमें न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपके पास इसमें होना चाहिए। और जो सेकंड नंबर पे पोस्ट यही रहेगी आपकी इसमें टेक्नीशियल असिस्टेंट में, इसमें आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, न्यूनतम 3 साल का आपके पास इसमें होना चाहिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ, साथ ही आपके इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और या फिर आपके पास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 साल का न्यूनतम और 60% अंकों के साथ आपके पास इसमें होना चाहिए न्यूनतम, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। इन दोनों प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट है जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड इसमें अलग अलग दिया गया है वैकेंसीज का, और पोस्ट आपकी सेम ही है, इसमें पोस्ट कोड के हिसाब से आपके इसमें सिलेक्शन करवाया जाएगा। पोस्ट कोड नेक्स्ट है जो कि है 202103 में है, जो हमने आपको टोटल बताई थी वो आगे जाके डिवाइड की गई है इसमें अलग अलग पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। सो इसमें भी शैक्षिक योग्यता से इसमें जो डिप्लोमा होना चाहिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए न्यूनतम 3 साल का किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा, 2 साल का आपके इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 60% अंकों के साथ आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट कोड है जो 2102104 का है, इसमें शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 साल का किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा 60% अंकों के साथ, साथ ही आपका इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
और नेक्स्ट पोस्ट कोड में इसमें सैलरी सभी पोस्ट कोड में सेम ही आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट कोड है जो 202105 है, इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, न्यूनतम 3 साल का जो कि इसमें 60% अंकों के साथ आपके पास होना चाहिए, 2 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और नेक्स्ट आपको इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस बताने जा रहे हैं। आपको इसमें सभी प्रकार के अलाउंसेस दिए जाएंगे, बेनिफिट विद काउंसिल सर्विस में द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस, जैसा कि डियरनेस आपको इसमें दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस डीए, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको इसमें दिया जाएगा एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपको इसमें दिया जाएगा टीए, और भी जो बेसिक अलाउंसेज होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, वो सभी के सभी आपको इसमें दे दिए जाएंगे। इन एडिशन आपको बताया तो इसमें एडिशन भी आपको इसमें दिए जाएंगे, बेनिफिट सच एज मेडिकल एक्सपेंसिस भी आपको इसमें दिए जाएंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन भी दिया जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस में भी आपको इसमें दिया जाएगा। सो अदर कंडीशंस जो है इसमें, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई बाहर से कोई दूसरी कंट्री का अगर कोई हो तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होता है और नॉट अकॉम्पनाइड विद रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, यानी कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप वो आपके उसमें फोटोकॉपीज नहीं लगाते उनकी, तो वो आपको इन कंडीशन में अगर आधा दूर आप फॉर्म भरते हो तो इन कंडीशन में आपका फॉर्म इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 years और फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC एज पर गवर्नमेंट इन ऑर्डर्स इन फोर्स ओनली इन दूस कैसेज वेयर द पोस्ट आर रिजर्व फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, यानी कि इसमें आयु में छूट दी गई है, 5 साल की SC ST कैंडिडेट्स को दी गई है इसमें, और 3 साल की OBC कैंडिडेट्स को इसमें आयु में छूट दे दी जाएगी। और भी जो अलाउंस बेनिफिट्स दिए जाएंगे EWS कैंडिडेट्स को, वो आपको इसमें दिए जाएंगे। अगर कोई CSIR का रेगुलर एम्प्लॉय है तो उन्हें इसमें 5 साल की आयु में छूट दे दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन उसे भी दिया जाएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगी, सिलेक्शन वुड बी बेसिस ऑन द ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फॉलोड बाय कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन, देयर वुड बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, इज द डिटेल ऑफ द कंडक्ट of such trade test, skill test and syllabus of written test etc would be notified subsequently, यानी कि आपका इसमें जो सिलेक्शन करवाया जाएगा, चयन प्रक्रिया रहेगी वो आपकी ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका इसमें करवाया जाएगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन में ही अंडर में आएगा, और इसके आधार पे आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन करवाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको इसमें आवेदन कैसे करना है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट, जो कि है www.cmeri.res.in पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, यानी कि किसी और मोड द्वारा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसमें ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा विल बी अवेलेबल ऑन CSIR, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ से आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। क्लोज डेट जो रहेगी हमने आपको ऑलरेडी बता दी है कि लास्ट डेट इसमें क्या है, लास्ट डेट तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और जिसमें एप्लीकेशन फीस रहने वाली है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि 100 रुपीज़ रहेगी ओनली, और जो कि ओनली एप्लीशियबल विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, यानी कि SBI के आप इसमें ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो SBI द्वारा, जो कि जिसका लिंक आपको इसमें दिया गया है इसी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट, एंड प्रिंट आउट आपको इसमें निकलवा लेना उसका रसीद का। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एक्स सर्विस मैन वूमेन, अगर CSIR एम्प्लॉय है, CSIR का कर्मचारी है, तो इन अभ्यर्थियों को इसमें कोई भी किसी प्रकार के एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है, जो फीस जमा करनी है वो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को इसमें जमा करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ये नीचे बताए गए हैं कि आपको इसमें अटैच करने हैं, आपको इसमें संग लग के जाने हैं, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको इसे संग रखने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको इनकी फोटोकॉपीज आपको अटैच करके इनके ऑफिशियल एड्रेस पे सेंड करनी है, साथ ही आपको इसमें प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का भी इनके ऑफिशियल एड्रेस पे सेंड करना है, और फीस रसीद की फोटोकॉपी से आपको इसमें ऑफिशियल एड्रेस जो है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महात्मा गांधी एवेन्यू दुर्गापुर 713201 वेस्ट बंगाल पे आपको सेंड करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट फाइनल जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है इसमें वो, और साथ ही आपको इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं उनकी आपको इसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अटैच करके, और साथ ही फीस रसीद की फोटोकॉपीज अटैच करके आप इनके ऑफिशियल एड्रेस पे सेंड कर देनी है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी, और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको भी दिखाया है।
अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट न्यूज़ पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पर आप जाके डायरेक्टली ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, जो कि एक बार विस्तारपूर्वक देख के समझ के फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ले जाएगा, जहां पे आप जाके इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।